वो साल और था, ये साल और है, मगर हालात जस के तस बने हुए हैं। यहाँ बात हो रही है रूस और यूक्रेन युद्ध की। साल 2022 में फरवरी का महीना चल रहा था, कड़ाके की ठंड के बीच रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन में धमाका किया, यहीं से शुरू हो गई जंग। रूसी सेना ने यूक्रेन में तबाही का ऐसा मंजर बिखेरा कि हर तरफ धुआं, चीख, आंसू और ध्वस्त इमारतें ही नजर आ रही थी। अब 2023 का फरवरी आने वाला है, लेकिन युद्ध लगातार जारी है। हाँ, ये ज़रूर है कि युद्ध के तरीकों में बदलाव दिख रहे हैं। एक साल में यूक्रेन का बहुत नुकसान हुआ है, मगर रूस ने भी अपने हज़ारों सैनिकों को खो दिया। पुतिन ने ऐलान किया कि किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, मगर यूक्रेन हार मान ले तो तबाही से बच सकता है, लेकिन यूक्रेन भी लगातार लड़ रहा है। यूरोपीय देशों और अमेरिका से उसको मदद मिल रही है। अब यूक्रेन तकनीकी युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। वो अपने सैनिकों की जान का खतरा नहीं उठाना चाहता, इसलिए वो ड्रोन टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है। 1 जनवरी को रूस ने यूक्रेन पर कई मिसाइल और ड्रोन अटैक किए, जिसके बाद यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई की। क्रेमलिन को एक और नया झटका देते हुए यूक्रेनी सेना ने पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र में एक स्थान पर ड्रोन से अटैक किया। यहाँ पर रूस का कब्जा था और उसके सैनिक यहीं पर थे। इस हमले में 63 रूसी सैनिक मारे गए। ये बात खुद रूस ने कबूल की। युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी सैनिकों पर किए गए ये सबसे घातक हमलों में से एक है। अब इस युद्ध से एक बात तय हो गई कि क्या आगे आने वाला वक्त केवल तकनीकी पर ही निर्भर करेगा, यानी कि अब सैनिकों की बजाय ड्रोन रोबोट आपस में लड़ेंगे। सैन्य विश्लेषकों, लड़ाकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर्स के अनुसार युद्ध जितना लंबा चलेगा उतनी ही अधिक संभावना होगी कि ड्रोन का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए। इसमें टारगेट का पता करके ड्रोन से हमला किया जाएगा। ये अपने आप में एक क्रांति की तरह होगा, जिस तरह पहले मशीन गन के आने पर हुआ था। यूक्रेन के पास पहले से ही सेमी ऑटोनॉमस अटैक ड्रोन और AI से लैस काउंटर ड्रोन हथियार हैं। आपको बता दें कि रूस पहले से ही यूक्रेन पर ड्रोन से अटैक कर रहा है। ईरान से बड़ी मात्रा में रूस ये ड्रोन मंगा रहा है। ये पूरी तरह से मानव रहित हैं और सटीक टारगेट पर अटैक करते हैं। ईरान के ही लंबी दूरी के शाहेद 136 विस्फोटक ड्रोन ने यूक्रेनी बिजली संयंत्रों को पंगु बना दिया। ईरान के पास अपने विकसित हो रहे शस्त्रागार में अन्य ड्रोन हैं जो कहते हैं इसमें AI है। यूक्रेन के पास ड्रोनों में US निर्मित स्विच ब्लेड 600 और पॉलिश वॉमिट शामिल हैं, जिन्हें वर्तमान में लाइव वीडियो फीड पर टारगेट सेलेक्ट करने के लिए मानव की आवश्यकता होती है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से ये सारे काम करता है। ये टारगेट पर मिनटों तक मंडराता है और सटीक लोकेशन मिलते ही उस पर अटैक कर देता है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हमले में यूक्रेन की सेना ने हिमार्स प्रक्षेपण प्रणाली से 6 रॉकेट दागे और उनमें से 2 को गिरा दिया। हालांकि यूक्रेन के सशस्त्र बलों के सामरिक संचार निदेशालय ने रविवार को दावा किया कि मकीवका में एक व्यावसायिक स्कूल की इमारत में लगभग 400 लामबंद रूसी सैनिक मारे गए और लगभग 300 अन्य घायल हो गए। इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बीच द इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने सोमवार को कहा कि पुतिन अपनी रणनीति के लिए रूस में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। थिंक टैंक ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के हवाई हमले रूसी राष्ट्रवादियों को इच्छित परिणाम नहीं दे रहे हैं। थिंक टैंक ने कहा कि सेना की इस तरह की बड़ी नाकामी युद्ध समर्थक रूसी समुदाय को रिझाने की पुतिन की कोशिशों को और जटिल बना देगी। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।